फैक्ट्री दिखा है, जहां फैक्ट्री लगा है, एक नया पुल तक दिखाओ जिसका काम हमारे दौर में शुरू ना हुआ हो। कहीं तरह नया कुछ नहीं, जो बना हुआ है वो भी आप बेचने पर लगे हुए हैं। यहां के नौजवानों को तकलीफ और टेंशन देने के अलावा और कुछ नहीं। 5 अगस्त 2019 को आपने कहा था कि यहां के नौजवानों को घर बैठे बैठे रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। अरे आज मैं आपसे पूछता हूं, ऑर्डर तो दूर की बात, आपसे तो रोजगार का लिस्ट नहीं निकलता। एक दिन आप लिस्ट निकालते हो, दूसरे दिन आप अपने ही ऑर्डर से उस लिस्ट को रद्द करते हो। सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, उसमें धांधली, लिस्ट रद्द, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, लिस्ट निकला, शिकायत हुई, लिस्ट रद्द की। पुलिस का लिस्ट निकला, शिकायतें आई, खत्म। फायर सर्विसेज का लिस्ट, अरे ना मैं थक जाऊंगा गिनते गिनते, कहां पे इन्होंने नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। उन नौजवानों को क्या होगा जो इस लिस्ट के बाद ओवर एज हुए, उनको इंसाफ कौन देगा? फिर लाई आपने बाहर से कंपनी, कहा हम इनसे इम्तिहान करवाएंगे, और पूरे हिंदुस्तान में आपको सिर्फ वो कंपनी मिली जिनको बाकी पूरे मुल्क में ब्लैकलिस्ट किया था। कहां से रहा? जब आपने एपटेक वालों को यहां पे इम्तिहान कराने का ठेका दिया, क्या उस वक्त आपने चेक नहीं किया? क्या उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये बाकी मुल्क में ब्लैकलिस्ट है? कहीं तो धांधली हुई, कहीं तो लेन देन का सिलसिला हुआ, ऐसे भी हुआ होगा। मैं हैरान होता हूं ना, ये क्या हुआ है? ये मेरे सामने जो साथी बैठे हुए हैं, मांग मांग के भी इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। जब कहीं जाना होता है ये एस्कॉर्ट मांगते हैं, वहां थाने पे कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास नफरी नहीं है, आप आज नहीं कल जाओ। हालांकि सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा हमले इनके खिलाफ हुए हैं। ठीक है ना, आपके पास गाड़ी नहीं है, हम शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन यहां जब बाहर से फ्रॉड आदमी आते हैं तब आपके पास गाड़ी होती है। अरे यहां बंदा आया गुजरात से, यहां कहा कि मैं जी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर का अफसर हूं। यहां किसी ने पूछा नहीं, अरे प्राइम मिनिस्टर दफ्तर फोन करके पता करो ये कौन है, कहीं तो वहां से चिट्ठी आई होगी, कहीं तो आपने मालूम किया होगा। अच्छा चलो मैं मानता हूं एक बार धोखा पड़ा, क्या नालायक हुकूमत है ये, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार आप धोखा खा गए। बीपी गाड़ी, आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट, 5 स्टार होटल में कमरा, हर दिन शाम को अफसरों के साथ मीटिंग। जो अफसर आज हमारा फोन नहीं उठाता वो अफसर इस फ्रॉड के तल में चाक रहे थे कि आप हमारी पीएमओ में सिफारिश करो। गुलमर गया वो होटलों का इंस्पेक्शन करने, उड़ी पहुंचा वो उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको बॉर्डर का टूर कराया, पता नहीं उसको और क्या क्या वहां सुनाया होगा, और एक्सपेंसेस सरकार की क्या खुफिया बातें उसको वहां पे बताई गई होंगी। क्या हुकूमत है ये? और फिर किसी रिटायर्ड अफसर से लिखवाया
कि ये डीसी का कसूर है। एंड हां मैं भी वजीर आला रहा हूं, डीसी कोई नहीं है सिक्योरिटी देने वाला, ये आपका पीएचक्यू में आपका एडीजी फैसला करता है सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी है, आपके सेक्रेटेरिएट से फैसला होता है कि गाड़ी लगनी है या नहीं लगनी है। फाइव स्टार होटल का बिल डीसी नहीं भरता, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले प्रोटोकॉल वाले उसको क्लियर करते हैं। अगर ये नालायकी नहीं तो क्या चीज है? और ये पकड़ा गया, पता नहीं और कितने फ्रॉड आए होंगे जिसका अभी हमें हिसाब किताब ही पता नहीं है, वो किस होटल में बैठे होंगे अभी पता नहीं। कहते तीन तो आके चले भी गए, क्या ये हुकूमत किसी के सहारे? यही तो मुसीबत है ना, ये लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हुकूमत नहीं है, ये पीएमओ को खुश करने के लिए हुकूमत है। यही है फर्क एक चुनी हुई हुकूमत और एक ऊपर से ठोसी हुई हुकूमत में। जब हुकूमत लोगों के वोट से बनती है, वो हुकूमत फिर पीएमओ के अफसरों को खुश नहीं करती, वो यहां के आवाम को खुश करती है। अब असलियत आपके सामने आ गई है, इन लोगों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। आप टेंशन में हो, आप परेशान हो, आप मायूस हो, आपको दुख है दर्द है, इनको कोई परवाह नहीं। बस पीएमओ का अफसर खुश होकर यहां से वापस जाना चाहिए, उन्हीं में उसी में इन लोगों की तसल्ली है। और वो भी नकली पीएमओ का अफसर। तभी तो हम इनसे पूछते हैं ना, आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? इलेक्शन में बीता हूं, मुझे 2014 याद है, वो सैलाब के दिन में भूला नहीं, तहस नहस करके रखा था जम्मू कश्मीर को सैलाब ने। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं चढ़ा था, हमारे बंध उड़ गए, पुल उड़ गए, खाने तबाह हुए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी। मैंने उस वक्त, यही बीजेपी की सरकार थी, मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, अभी इलेक्शन में थोड़ा सा वक्त हो रहा, लोगों को हम ऊपर उठाएंगे, मुसीबत से निकालेंगे, कोई बड़ा तूफान नहीं होगा अगर आप 4-5 महीने इलेक्शन को पोस्टपोन करोगे। मैंने उनको यही तक कहा, मैंने कहा इस गलत फैमिली में मत रहना कि मैं कुर्सी को पकड़ के रहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, आप गवर्नर रूल लगाओ। कोई चीफ मिनिस्टर जनाब इलेक्शन से पहले कुर्सी नहीं छोड़ता, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मैंने उस वक्त उनसे कहा, मैंने कहा आप, मैं कुर्सी छोड़ देता हूं, आप गवर्नर रूल लगाओ, लेकिन कम से कम अगले 5-6 महीने सर्दियों के हम लोगों को मुसीबत से निकालेंगे। उस वक्त कहा नहीं, इलेक्शन होके रहेगा, हमें टाइम पे इलेक्शन करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन को हम लेट करेंगे। तब इलेक्शन टाइम पे करना था, आज भी टाइम पे करते हो, अब तो 8 साल हो गए इलेक्शन किए हुए, अब क्या बहाना रहा आपके पास? पहले तो आपने कहा कि हदबंदी करनी है, डिलिमिटेशन करना है, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का तबादला किया। अरे हम समझ में नहीं आता आप कौन सा नक्शा देख रहे थे। हैरानगी की बात यह कि शुपैया को काट के श्रीनगर पार्लियामानी हलके के साथ रखा, रजौरी पूंछ को काट के अनंतनाग के साथ रखा, चलो वो भी कर दिया। फिर जब हमने कहा अब क्या, कहा ना अब वोटर लिस्ट तैयार करने हैं, ठीक है ना करो वोटर लिस्ट तैयार, वोटर लिस्ट भी तैयार हो। फिर कहा हमें
कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा तैयार करके पोलिंग बूथ वो करने हैं आइडेंटिफाई, वो भी किया आपने। फिर उन्होंने कहा था सर्दी है, अब सर्दी में हम नहीं कर सकते, अब सर्दियां भी खत्म, अब तो बर्फ भी पिघल गया है, अब क्या रहा? सिर्फ एक ही चीज, डर। बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर के आवाम का सामना नहीं कर सकते, यही हकीकत है, हकीकत है। ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि कश्मीर में तो इनको कुछ मिलना नहीं है, जम्मू में भी इनका बोरी बिस्तरा जो है बंद करके यहां से इनको वापस ले जाएगा, क्योंकि असलियत इनके सामने है। अब हमसे अक्सर देखते ये प्रेस वाले पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग उन लोगों से कराई जिनसे शायद उम्मीद भी नहीं थी। पहले तो अक्सर देखकर मीडिया के जरिए ये खबर चलती थी कि कश्मीर की सोच अलग और जम्मू की सोच अलग, लेकिन जम्मू के लीडर भी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत, फिर दिल्ली गए और उन पार्टियों को एक कमरे में लाया जो एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाने के लिए। आपने कभी सुना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिले? कभी नहीं मिलते, वो एक कमरे में नहीं आते। लेकिन जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक फोन किया, वहां कांग्रेस के लीडर भी, आम आदमी पार्टी के लीडर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, सारे गैर हाजिर। सिर्फ वो लोग रहे जो बीजेपी और बीजेपी के 18-18 सीटें, यही लोग। तभी तो मैं कहता हूं लोगों का सामना करने का इनका इनकी हिम्मत नहीं। और बदकिस्मती से सगीना ने ये कामयाब जलसा तो किया, इस कामयाब जलसे के बाद उनके पैर और भी ज्यादा हिल गए होंगे, अब इलेक्शन शायद और भी ज्यादा दूर चला जाएगा। कोई बात नहीं, करें, कब तक भागेंगे? बहादुर लीडर है, एक बहादुर बाप की बेटी है। नासिर ने 84 की बात की, कुछ लोग हमें कहते हैं कि 84 का जवाब दो। अरे आप किस लीडर से 84 की बात कर रहे हो? सकीना यत्तू को मालूम है 84 में क्या हुआ, जब इसके बाप को खरीदने की कोशिश की गई, जब वो स्पीकर था, जब खरीद नहीं सके, जब वो अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं था, तो जबरदस्ती उसको स्पीकर की कुर्सी से उतारा गया। तुम लोग जो आज बीजेपी की मदद कर रहे हो, तुम तो भूल गए हो क्या हुआ? हम नहीं भूले, तभी तो हम इस तरह इतनी गर्म जोशी से वली मामा यत्तू साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो कितना बहादुर और ईमानदार लीडर। ऐसे लीडर बहुत ही कम पैदा होते हैं, यहां तो 30 दिन लोगों को याद नहीं रहता। हैरान होते हैं लोग सुन के जब उनको पता चलता है कि ये 29वां आज बरसी मनाया जा रहा है वली मामा यत्तू साहब का। और ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इस बात का सबूत है कि वाकई वली मामा यत्तू साहब जिस रास्ते पे चले थे वो सही रास्ता था, और इंशाल्लाह उनके दिखाए हुए ख्वाब जो है उनको उनकी बेटी और हम बाकी सारे जो है उनको पूरा करेंगे। आप लोग इस बरसात में, खराब मौसम में आए, आपने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से आप सबका तहे दिल